बस अभी ऐसा है तो जैसे जैसे कोविड खुला है हम लोग फंक्शन रखेंगे, काफ़ी हद तक रखना है फंक्शन, क्योंकि काफ़ी काम पेंडिंग है जो कोविड की वजह से पूरा नहीं हुआ, और अभी हम लोगों ने काफ़ी काम करना बाकी है तो ऐसा ऐसा स्लोली स्लोली करेंगे। और आज जैसे विसाखी स्टार्ट किया है ऐसे दूसरे प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे खुला है ऐसे ऐसे दूसरे प्रोग्राम भी स्टार्ट करने हैं। डब्ल्यूपीओ के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? WPO जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली वी हैड स्टार्टेड एंड आर पायलट प्रोजेक्ट वॉज टू लुक आफ्टर दी ओल्ड एज होम, वो हमारा एक प्रोजेक्ट जो मेन है। उसके अलावा हमने डे केयर सेंटर स्टार्ट किया था फॉर एल्डरली पीपल, जिसमें कि वो आके अपना डे स्पेंड कर सकते हैं एंड उनको खाना पीना एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड। ये कोविड की वजह से थोड़ा दिन बढ़ गई, तो नाउ वी आर अगेन गोइंग टू रीस्टार्ट। उसके अलावा WPO में हम अभी काफ़ी कुछ करने वाले हैं, जैसे कि मेडिकल प्रोजेक्ट्स हैं, मेडिकल कैंप्स करने वाले हैं अलग अलग जगह पे। तो WPO की प्लानिंग है टू यू नो रीच आउट टू दी टू दी पुअर एंड दी नीडी पीपल। सर आपका परिचय क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में, जो म्यूजिकल नाइट है? सर हमने म्यूजिकल नाइट आज ऑर्गेनाइज की है, सब कुछ खुलते ही जा रहा है, तो गेट एवरीवन टुगेदर अगेन, सब लाइवली करें सब कुछ। काफ़ी पीछे टाइम ख़राब देखा है सब ने, तो एक बैसाखी का त्यौहार है, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी और सब हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने हमारी बिरादरी है, सब हमारे साथ जुड़ेंगे, सब शुरुआत से जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेन मोटो इस सोशल सर्विस, जितना हो सके जितना प्रोजेक्ट्स हम करेंगे गेट टुगेदर फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, टू हेल्प द सोसाइटी, टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द ओल्ड एज पीपल। बेसिकली इट इज यूनियन ऑफ पीपल, इसी माने सब भाई परिवार मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, भाईचारा हो जाता है, तो वी वांट टू स्प्रेड वेलनेस एंड ब्रदरहुड, वननेस एंड ब्रदरहुड। दूसरी बात है जो मेंबर नहीं है उनको भी मेंबर भी बनाएंगे, उनको भी साथ में जोड़ेंगे ताकि वो भी फैमिली टू ग्रो, फैमिली ग्रो। ये WPO पे जैसे जैसे इनको बढ़ाएंगे साथ में और भी मेम्बर जोड़ के उनके साथ दिन रहेंगे। आज हम बैसाखी का त्यौहार WPO की तरफ से यहाँ मनाने आए हैं। आज 2 साल के बाद ये मौका मिला है हमें, ताकि हम फिर अपनी बिरादरी, हम अपने WPO मेंबर्स के साथ में मिलके एक फेस्टिव सीज़न शुरू करें। WPO ने बोल तो दिया है, पर WPO का मतलब है वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन। एक ये वर्ल्ड में कम से कम 16-17 जगह हमारे अलग अलग संस्था के रीजन्स हैं हमारे, और आज के जो हमारे मेहमान आ रहे हैं एक्चुअली एंटी टेररिस्ट के जो दिल्ली के चीफ हैं मिस्टर MS बिट्टा जी हैं, दूसरा कांग्रेस के जो संजय निरुपम जी हैं, चरण सिंह सापरा जी हैं, और एड मैन जिसको हम लोग कहते हैं प्रहलाद कक्कड़ जी, वो खुद आ रहे हैं, बिंदु दारा सिंह हैं, मुकेश जोशी हैं, बड़े बड़े और दूसरे अलग अलग कलाकार हैं जो आते आते जाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? तो अवार्ड से भी नवाजा जाएगा लोगों को। चाहे वैसाखी का त्यौहार, फार्मर्स का हार्वेस्ट का त्यौहार है, यहाँ पे डांस नाच होता है, पर एक्चुअली ये एक सिख साधना दिवस है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक फाउंडेशन ले डाउन की थी सिखों की, और सिखों को एक रिकॉग्नाइजेशन दी थी। इसके लिए ये रिकॉग्नाइजेशन जब मिली थी, ये 5K के साथ मिली, जो आपको सबको पता है, कंगा, कड़ा, कच्छा, किरपान, सारे 5 ये जो के दिए गए थे सारे, ये सिखों को दिया गया, आइडेंटिफिकेशन सिखों को मिली थी। इसके लिए इसको हम सिख साधना दिवस कहा जाता है, और सिखों ने और पंजाबियों ने इसको एक वैसाखी को एक बड़े पैमाने में आपको नज़र आया होगा, ये हार्वेस्टिंग की वजह से डांस होते हैं और हमारे सिखों की वजह से भांगड़े हो जाते हैं। आज दस्ताना जी को लेकर आए, हम सब देखेंगे लाइव, और आई थिंक यहाँ से दस्ताना जी भी रॉक कर रहे हैं, पंजाबियों ने बॉम्बे में दस्ताना जी को लाइव बहुत ज़ोर से देखा नहीं है, आज देख लेंगे। वैसे टीवी बाजी मुझे स्टेज पे ले गए थे फर्स्ट शो, तो ऐसा होता है, टीवी बाजी हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जब बुलाते हैं हमारे। वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिस्पेक्टेड मेम्बर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे बड़े वीर जी टिम्मी मेहता साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा मंच मुझे दिया। बैसाखी की शाम है, एडवांस में ही मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ बैसाखी की, और आज खालसा साजना दिवस है, जिवें सारे कहते आप कि खालसा पंथ की अज नींव रखी गई सी, सो
ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੂਬ ਰਚ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਮਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਜੋ ਆਡੀਅੰਸ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਮ ਉਸਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਤੇ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਪਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਆਡੀਅੰਸ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲੇਂਗੇ। ਗਾਏਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਗਾਏਂਗੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਅਭੀ ਭਈਆ ਨੇ ਬੋਲਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਭੀ ਨਾ ਲੈਣੇ ਕਾ ਔਰੋਂ ਕੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਕਾ। चन्नी जी के साथ मेरा लगभग 4 या 5 सालों से लग रहा था और हमने कहा कि मौका बनेगा, हम 100% वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लाएंगे। और बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर आज ये इनका हम इंट्रोडक्शन इसलिए करना चाहते हैं और क्योंकि शादियाँ बहाँ में जितने लोग हैं आज ये इनको लेंगे, इनका आज परफॉर्मेंस से काफ़ी फैमिली को पता लगे कि चन्नी मस्ताना है। कि वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग यंगस्टर्स, we want these young pop singers and cultural people to spread the voice of Punjabiyat and create a world more togetherness, and that is what World Punjabi organizes. Punjabiyan di shaan hai, Punjabiyan di shaan hai, ek din lok jidron bhi lang jaan, jidron bhi lang jaan hai, ਉਹ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਚਾਣ ਗੱਭਰੂ ਨੀ ਨਚਾਣ ਗੱਭਰੂ। 1, 2, 3, 4 ਚੱਕਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੋ, ਭੂਕੰਪ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੇ ਆਗੇ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਆਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹੂਜਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਪਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ ਆਤੀ ਹੈ, ਟਿੰਮੀ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਾ ਨਾਮ ਊਚਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਸੇਵਾ।